हेलो टेनिस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर कुरियर। कुरियर सेवाएं क्या है? आपने पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा होगा कि पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, वो डाक वितरण का कार्य करती हैं। तो उसी प्रकार हमारे देश के अंदर जिस तरह पोस्ट ऑफिस कार्य करता है, उसी तरह कुरियर सेवाएं भी कार्य करती हैं। भारत सरकार ने इन प्राइवेट्स एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया है कि आप भी आइए और पोस्ट ऑफिस सर्विसेज जिस तरह काम करती है, उसी प्रकार उनको काम दिया गया है और भारत सरकार इनको लाइसेंस देती है इस काम करने के लिए। और कुरियर सर्विस क्या है? कुरियर सर्विस वही सर्विस है जिस तरह पोस्ट ऑफिस सर्विस का कार्य होता है। कुरियर अलग अलग नाम से आपको, आप अपने नियरेस्ट शहर के अंदर रहते हैं तो आप जब आप कोई अपना कोई डॉक्यूमेंट यदि आपने जल्दी पहुंचाना है तो आप या तो स्पीड पोस्ट का सहारा लेते हैं या फिर किसी कुरियर सर्विस का सहारा लेते हैं जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये गंतव्य स्थान पर अपने पोस्ट को सुपुर्द कर देती है। इन कार्यों के लिए भारत सरकार ने उनको लाइसेंस दे रखा है। ये इसी प्रकार कार्य करती हैं जिस तरह पोस्ट ऑफिस सर्विस करती है। कुरियर एक ऐसी सर्विस है जो आपको डाक या डॉक्यूमेंट लेने उपरांत एक रसीद देती है। उस रसीद पर वो पाने वाले का पता लिखता है और आपको जो चार्ज वो लेता है उसकी रसीद आपको दे देता है। और उसको आप, आज मॉडर्नाइजेशन का युग है और आप उसके ऊपर लिखे नंबर को कंप्यूटर में डाल करके ट्रैकिंग कर सकते हो कि ये डाक आज कहाँ है। वो फर्स्ट वो जहाँ भी जाती है उसके बाद वो दिखाएगा कि यहाँ से डिस्पैच हुई, अब वहाँ उस स्थान पे पहुँची, अब डिलीवरी के लिए लेकर बच्चा या डिलीवरी मैन निकल चुका है। तो ये बातें सब वो कंप्यूटर में फीड होती चली जाती है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट डिलीवर हो जाता है तो उसके अंदर डिलीवर्ड टाइम भी लिख कर आ जाता है, हम कंप्यूटर से उसकी एक्नॉलेजमेंट निकाल सकते हैं। ये सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय दोनों प्रकार की होती हैं। अंतर्देशीय एक शहर से दूसरे शहर मेट्रो सिटीज में ही उपलब्ध है। यदि आप किसी शहर से किसी गांव में कोई चिट्ठी देना चाहोगे, यदि उस कुरियर का वहां पर कोई ऑफिस नहीं है या वहाँ पर डिलीवर करने का कोई साधन नहीं है तो आपकी वो कुरियर सर्विस उपलब्ध नहीं होती है, तो फिर वो आपके डॉक्स को प्राप्त नहीं करेंगे। ज़्यादातर मोस्टली ये बड़े बड़े शहरों के अंदर चलती है, मेट्रो सिटीज़ में चलती है। बिजनेस पर्पज़ से लोग इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें बिल्टीज होती हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, पासपोर्ट इत्यादि, जो भी जो एक रात के अंदर अंदर उस डाक को पहुंचाना होता है वो लोग ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा इसके माध्यम से कार्य करते हैं। उद्योग व्यवसाय जितने भी कंपनीज फैक्ट्रीज मिल हैं सभी लोग ये आजकल कुरियर का सहारा लेते हैं क्योंकि वो कोई माल बेचते हैं, डिस्पैच करते हैं, बिल्टी आदि को आगे भेजनी होती है क्योंकि उस बिल्टी से जब तक वो बिल्टी प्राप्त नहीं होगी तब तक वो माल को छुड़वा नहीं सकता, इसलिए वो कुरियर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और आजकल हमारे देश के अंदर काफ़ी कुरियर सर्विस काम कर रही है, जैसे आकाशगंगा कुरियर है, वायु सेवा कुरियर है, DHL कुरियर है, ओवरनाइट सर्विस कुरियर है, अन्य काफ़ी नामों से सर्विस कुरियर सर्विस आई हुई है जो काम कर रही हैं इस फील्ड के अंदर। ये इन कुरियर पर काफ़ी टर्म एंड कंडीशन लागू होती है। यदि हमको डॉक्यूमेंट देते हैं या कोई वैल्यूबल चीज़ देते हैं, उसका इंश्योरेंस करवा देते हैं, यदि हमारी चीज़ समय पर नहीं पहुंचती है तो हम उनसे इंश्योरेंस भी प्राप्त कर सकते हैं, बेशर्त उस जो रसीद हमें दी गई है उसमें बेशर्त ये शर्तें लिखी हों। छोटी कुरियर्स भी हैं, बड़ी कुरियर्स भी हैं जो माल को लेकर के जाती हैं, माल को इंसोर्ट करती हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेती हैं, समय पर पहुंचाती हैं। यह सेवाएं देश और विदेश दोनों में लागू है। और यदि विदेश में भेजते हैं तो
तो हम ज़्यादा पैसा कुरियर वालों को देते हैं, क्षेत्र और देश के हिसाब से सर्विस चार्जेज लगते हैं। और उसी तरह देश के अंदर यदि हमने अपना डॉक्यूमेंट आज यहाँ से कलकत्ता डिलीवर करवाना है तो हम आज बुक करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कल ये 12 बजे मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से हमें वो चार्ज प्राप्त करते हैं और हम इंश्योर्ड हो जाते हैं कि 12 बजे 10 बजे जितने भी उसके ऊपर टाइम दिया जाता है तो उस टाइम पर वो प्राप्त हो जाती है। कुरियर सेवाओं के लिए हवाई जहाज, रेल, बसेस, अपने व्हीकल, ये सब कुरियर एजेंसीज मिल करके अपना एक कंपनीज ग्रुप बनाते हैं और जिस माध्यम से ये यूज करते हैं कुरियर सेवाओं को आगे भिजवाने के लिए, ये इनके अपनी हेडेक होती है, ये किस माध्यम से कैसे भेजते हैं, इनका अपना सिस्टम होता है कि जिस तरह हमारा डाक विभाग का सिस्टम होता है उसी प्रकार इनका भी सिस्टम बनाया हुआ है और समय पर डाक प्राप्त होती है। सरकारी सेवाओं में भी काफ़ी कार्य करती हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स ये भेजती हैं, इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट की बड़ी जिम्मेवारियाँ रहती हैं, समय पर डॉक्यूमेंट डिलीवर करने की इनकी श्योरिटी गारंटी होती है और ये भी उसी तरह कार्य करती जिस तरह सरकारी क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस कार्य करता है। कुरियर सेवाएं वही सेवा है जो भारत की सरकारी पोस्ट सर्विस कार्य करती है, बेशर्त कि वो प्राइवेट एजेंसी है, वे सरकारी एजेंसीज है, दोनों में फर्क इतना ही है। उनके ऊपर कुरियर सर्विस पर गवर्नमेंट अपनी टर्म कंडीशन पर कार्य करवाती है। ये है हमारी कुरियर सर्विस जो हम अपने देश के अंदर लागू करते हैं और लागू करने के बाद उसका जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अपना कुरियर सर्विस जो भी होती है उसका अपना एक ऑफिस होता है, वहाँ पर हम डॉक्स दे सकते हैं और डॉक देने के बाद हमें एक अक्नोलेज रसीद देगा और उसके तुरंत बाद 24 घंटे के बाद हम कंप्यूटर से उसके अक्नोलेजमेंट भी निकाल सकते हैं। यदि हमारा डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता है तो हम उसकी शिकायत भी उस कुरियर ऑफिस में जाकर के कर सकते हैं, फिर वो हमें उसकी जांच पड़ताल करके बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट आज इतने बजे तक मिल जाएगा। ये थी हमारी कुरियर सर्विस जो कि हमारे देश के अंदर अच्छे से कार्य कर रही है और अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी सर्विस देना भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। देश के अंदर जो भी अच्छी सर्विस देगा उसी को अच्छा पैसा और अच्छी क्रेडिबिलिटी उसको मिलती है और उसी कुरियर का नाम होता है। आजकल शहरों में काफ़ी कुरियर का नाम है जो आजकल जो आपके नियरेस्ट ऑफिस है, आप यदि आपने यदि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप उसके भेज सकते हैं, बेशर्त कुरियर अच्छी जिसकी बाज़ार में क्रेडिबिलिटी हो उसी कुरियर को आप चुने और उसी में डॉक्यूमेंट दें। गुड बाय।